नमस्कार और आप देख रहे हैं पलटल। दिग्विजय चौटाला का बयान, परिवार का एक सदस्य लड़ेगा लोकसभा का चुनाव। दुष्यंत के हिसार से चुनाव लड़ने के सवाल पर दिग्विजय का बयान। दुष्यंत की इच्छा लोकसभा चुनाव लड़ने की है, लेकिन पार्टी चाहती है दुष्यंत लड़े विधानसभा का चुनाव। कोर कमेटी करेगी अंतिम फैसला। जेजेपी व आप मिलकर करेंगे मजबूती से चुनाव। सिरसा में होगी गठबंधन की जीत। कोर कमेटी की बैठक के बाद सीटों के बंटवारे को लेकर के होगा ऐलान। पलपल सिरसा से अमर सिंह जानी की विशेष रिपोर्ट। जसपा नेता दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि लोकसभा चुनाव उनके परिवार का एक सदस्य लड़ेगा। उन्होंने कहा कि पार्टी चाहती है कि दुष्यंत चौटाला विधानसभा का चुनाव लड़े, लेकिन खुद दुष्यंत चौटाला लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहता है, लेकिन इसके बारे में पार्टी की कोर कमेटी फैसला करेगी। उन्होंने दावा किया है कि आप और जसपा गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ेगी। दिग्विजय चौटाला ने आज मल्लेका गांव में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के बाद पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने यह भी कहा कि सीटों का बंटवारा कोर कमेटी की बैठक के बाद किया जाएगा। उन्होंने चाचा अभय सिंह चौटाला पर हमला बोलते हुए कहा कि अभय चौटाला बौखलाहट में उनका गठबंधन पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इनेलो में अब कुछ नहीं बचा है। अभय सिंह चौटाला ने अजय चौटाला को दोषी बताया है, तो ओम प्रकाश चौटाला भी दोषी है। उन्होंने कहा कि 7 साल पहले ओम प्रकाश चौटाला और अजय सिंह चौटाला को एक साजिश के तहत फंसाया गया था, लेकिन अब अभय सिंह चौटाला का राजनीतिक स्तर गिर चुका है। आप देख रहे हैं पलपल की विशेष रिपोर्ट। कैंडिडेट मजबूत कैंडिडेट जो उतारेंगे तो सिरसा जिला के लोग अपने घर के सदस्य दुष्यंत चौटाला जी को मजबूत करने के लिए और केजरीवाल जी को ताकत देने के लिए एक एक मत जो है वो गठबंधन को देंगे और ये सीट जो है भारी अंतर से जीत करके हम निकलेंगे और एनलाबाद उसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी निभाएगी, मुझे जो एनलाबाद घूम करके एहसास हुआ है। ये तो आज मीटिंग चली रही है कोर कमेटी की दिल्ली में और केजरीवाल साहब की और जो आम आदमी पार्टी की जो टीम है, कोर कमेटी जो उनकी है, उसके साथ मीटिंग चल रही है और सिर्फ सीटों के बंटवारा, कौन सी सीट पे कौन चुनाव लड़ेगा उसको लेकर के फैसला होने जा रहा है। मुझे लगता है कि आज रात तक या कल सुबह तक फैसला हो जाएगा। सिरसा आपका गढ़ रहा है, क्या सिरसा सीट जिसमें खाते में आएगी? अब ये तो समय बताएगा कौन सी सीट किसके खाते में आएगी। मैं क्योंकि मेरी लिमिटेशन है, मैं उससे ज्यादा जा करके कह नहीं सकता। लगातार आपकी गठबंधन पर सवाल उठ रहे हैं, खासकर अपने चाचा अभय सिंह चौटाला। देखिए, जो पॉपुलर होता है, जिसके साथ जनता खड़ी होती है, फिर उसके विरोध में विरोधी तो इस तरह की बौखलाहट दिखाते ही हैं। अब इनेलो वालों के पास तो कुछ बचा ही नहीं, वो इस तरह की बातें करेंगे और क्या। चुनाव में इनेलो की क्या स्थिति दिखाई? देखो, मुझे तो सबसे ज्यादा पीड़ा इस बात की हुई जब अभय सिंह जी ने ये कह दिया कि अजय सिंह चौटाला जो दोषी हैं, इसका मतलब अजय सिंह चौटाला अगर दोषी हैं तो फिर चौटाला साहब भी दोषी हैं। 7 साल से हम ये संघर्ष कर रहे हैं, ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारे बड़ों को, हमारी पार्टी के नेताओं को गलत साजिश के तहत जो है कुछ लोगों ने फंसाया है और वो स्वयं भी इस बात को मान्या करते, मगर वो इतने मजबूर हो गए कि उनको इतने न्यूनतम स्तर की बात करनी पड़ी। मुझे कम से कम उन जैसे नेता से और परिवार का एक जिम्मेवार सदस्य होने के नाते उनसे ये उम्मीद नहीं थी कि वो चौटाला साहब को दोषी मान लेंगे। ये न्यूनतम स्तर की और बहुत ही गिरेबा स्तर की राजनीति है। देखिए, हरियाणा के अंदर जननायक जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी मजबूती से गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। अब कोई कहा किससे अलायंस करता है, हम बात हरियाणा की कर रहे हैं। हरियाणा के लोगों के हित सुरक्षित हों इसके लिए और बीजेपी जो गरीब किसान विरोधी पार्टी है सत्ता से बाहर जाए, हम मजबूत होकर के चुनाव लड़ेंगे। हरियाणा में कांग्रेस का किसी तरह का गठबंधन? भाई, अब ये बातें सारी स्पेकुलेशन पॉलिटिक्स में होती हैं, मगर मैं ये कह रहा हूँ जब अलायंस हो ही गया तो ये दोनों पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ने जा रही हैं। दिग्विजय, आजकल जो नेताओं को बड़ा बयान इस तरह जो अजीबोगरीब बयान आते हैं, जैसे आजम खान की हो, इस तरह के जो विवाद है, सब बयान होते हैं, इसे राजनीतिक स्तर के दायित्व। देखिए, एथिकल और मोरल वैल्यूज राजनीति में मेंटेन करनी चाहिए और हम विशेष तौर पर जननायक जनता पार्टी में भी और चाहे हमारे गठबंधन में भी ये हम खास तौर पर ध्यान रखते हैं और हमारे नेता कभी मर्यादा से एक कदम बाहर नहीं रखते। कोई क्या कह रहा है तो जनता उसको मत से जो है ना मात दे, मत से मात देनी चाहिए और लोगों के, ये तो प्रजातांत्रिक प्रणाली में ये तो ऐसा पर्व है, ऐसा त्यौहार है जिसमें जनता का फैसला सर्वोपरि परमात्मा की आवाज़ है। वीरेंद्र सिंह उन्होंने ये कहा है कि हमने वंशवाद को जारी नहीं रखते हुए, वो MP हैं, उनकी वाइफ जो है वो MLA हैं और फिर उनका बेटा जो है वो अब चुनाव लड़ रहा है, तो ये वो जो है ना जो कहना चाह रहे हैं वो कहकर भी कह नहीं पा रहे। समझ, मैं वंशवाद के खिलाफ नहीं हूँ।
अगर उनका बेटा चुनाव में अपने आप को प्रूव करता है तो लोगों के मैंडेट से जीतेगा ना वो, और मेरे परिवार के भी सदस्यों ने अपने घर में नहीं घर से बाहर जा करके लोगों का मैंडेट हासिल कर करके पार्लियामेंट तक का सफर तय किया है। बीजेपी क्योंकि ये बात कहा करती, आज बीजेपी खुद के उसमें घिर गई, इसलिए कहीं ना कहीं बीजेपी को इससे मुश्किल आता है। हिसार बड़ी हॉट सीट है, क्या दुष्यंत जी वहाँ चुनाव लड़ सकते हैं? देखो दुष्यंत जी सदैव ये कहते रहे कि मैं हिसार से चुनाव लड़ूंगा, हम ये कहते रहे कि आपको हिसार से चुनाव नहीं लड़ करके विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए। अब ये दोनों ही बातें पार्टी की कोर कमेटी के पास हैं, 3 सदस्य कमेटी जो है उनने ये फैसला करना है कि दुष्यंत जी लड़े या ना लड़े। अब ये आज शाम तक कल तक तय हो जाएगा। निश्चित तौर पर 1 सदस्य तो चुनाव लड़ेगा ही, कौन लड़ेगा अब ये आज फैसला हो जाएगा।